देश के इन सबसे जो नीचे दबे हुए लोग हैं, जिनके खटखटाने से कभी कोई दरवाज़ा खुलता नहीं है, जिन हमेशा जिन्हें धकेल कर पीछे कर दिया जाता है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जो सुबह उठ कर के अपने ही आंसुओं से अपना मुंह धोते हैं, हम कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हैं, मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम हमेशा दबा कर रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दबा कर रखते हैं, रोजगार के क्षेत्र में दबा कर रखते हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे जो अल्पसंख्यक, हमें तो गर्व है कि हम इस देश के वासी हैं, जहाँ पर इतने सारे धर्म हैं। हम आज ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर, मैं तो हिंदू हूँ, मगर मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर इस्लाम भी है, मेरे अंदर सिखिज्म भी है, मेरे अंदर जैनिज्म भी है, मेरे अंदर ईसाई धर्म भी है, मेरे अंदर हमारे देश में फलने फूलने वाले, हमारी हवाओं में जिनकी खुशबू है, वो सारे धर्म मुझ में भी है और आप में भी है। ये जो आज आ गए हैं धर्म के बाद नाम पर लड़ाने वाले, इनको जवाब देने के लिए, इनको जवाब देने के लिए ही राहुल जी ने ये यात्रा, राहुल जी आ गए, राहुल जी ने ये यात्रा निकाली। हमारी महिलाएं, महिलाओं को, महिलाओं का तो सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान है और हमने सामाजिक न्याय के तहत इनको सम्मान देने के लिए भी यहाँ पर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। इन सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे UPA 1 UPA 2 में, बहुत से ऐसे कार्यक्रम योजनाएं बनाई जो महिलाओं के लिए हो, जो माइनॉरिटी के लिए हो, जो SC के लिए हो, जो ST के लिए हो, और जो हाथ से मैला उठाते हैं उनके लिए हो, उनको रोज़गार मिले ताकि वो ये काम बंद कर सके। और हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाए हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी समता के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनके अधिकार के लिए। ये सब हमने किया है और आगे करेंगे। ये जो प्रस्ताव है, ये इसमें सारे बिंदु बहुत विस्तार में लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप इस सब का अनुमोदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।